नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव तय करेंगे आने वाले समय की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो देश की राजनीति पर बहुत ज्यादा असर डालता है। लेकिन अगर बात करें इस समय वहां के हालात की, वहां के सिनेरियो की, कि वहां पे किस तरह के सिनेरियो बन रहा है, किस तरह के हालात बन रहे हैं विधानसभा चुनाव में, कौन सी पार्टी बहुमत की ओर जा रही है और कुछ पार्टियां जो भीतरी कलह का शिकार है उनकी क्या पोजीशन है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव डेफिनेटली कहीं ना कहीं देश की राजनीति पर असर डालते हैं, तो इस बार जो चुनाव है वो किस तरह का उनका सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या मतलब मुद्दे क्या हो सकते हैं इस बार जो चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में क्या मुद्दे हावी हैं और क्या आने वाला जो थोड़ा सा स्पैन रह गया इसमें क्या किस तरह के हालात बन सकते हैं और किस तरह का नैरेटिव जो है वो मतलब सेट हो सकता है वहां पे? देखिए, जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है और उस महाराष्ट्र की राजनीति का राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जी। और चुनाव जो महाराष्ट्र विधानसभा के ऐसे समय में हो रहे हैं जब पीछे 2024 में लोकसभा में एनडीए की सरकार बनी है और उस सरकार को देखते हुए अब इस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि एनडीए कि जो सरकार बनी है वो मजबूती उसको मजबूती मिलेगी या क्या कुछ एनडीए की सरकार कमजोर हो सकती है। तो ऐसे में 288 सीट महाराष्ट्र में है, 288 बहुत बड़ी बड़ी सीट होती है जी, बहुत और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसका एक दूसरे से एक दूसरे कोने की जो लंबाई हम कह सकते हैं 1000 किलोमीटर लंबाई की एक बड़ा प्रदेश है जी। और उसमें एनडीए और जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। महायुति एनडीए की बात करें तो वहां पे महायुति चुनाव लड़ रही है। महायुति में हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना जो शिंदे गुट है और एनसीपी अजीत पवार है, तो तीनों पार्टियां उनकी जो महायुति में है वो है। और दूसरा गुट है, दूसरा जो अलायंस है वो महाविकास अघाड़ी है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी है जी। और शिवसेना उद्धव गुट है और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो अजीत पवार एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी जिसको कह सकते हैं, वो तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। शरद पवार जी की पार्टी रहेगी कांग्रेस के साथ और अजीत पवार की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ। एनडीए के साथ बिल्कुल, पहले एक ही थे, बीच में इन्होंने अजीत पवार शरद पवार से अलग हो गए हैं और अभी महायुति के साथ चुनाव मैदान में हैं जी। और महाविकास अघाड़ी की जब बात करते हैं, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है वो 88 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शिवसेना उद्धव गुट है वो जो उद्धव की पार्टी है जो 96 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी वहाँ सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में है, 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही और वहीं इंडिया अलायंस के उसमें अलायंस में जो समाजवादी पार्टी भी वहाँ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही जी। इसके साथ साथ किसान और श्रमिक पार्टी भी, वो भी 2 सीटों पर इंडिया अलायंस के उसमें समर्थन में ही चुनाव लड़ रही। इस प्रकार से इतनी जो सीटें हैं ये महाविकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार खड़े हैं। और दूसरी तरफ महायुति की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में, 158 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव मैदान में है, उनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं। दूसरी ओर जो एनसीपी अजीत की जी बात करते हैं तो उनके 50 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। शिवसेना वहाँ पे शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसमें 70 जो उम्मीदवार है चुनाव मैदान में जी। और अभी वहाँ पे महायुति की सरकार है जी, शिंदे साहब वहाँ पे, एकनाथ शिंदे वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करते हैं वहाँ पे मुद्दों की बात करते हैं और या नारों की बात करते हैं तो राजेंद्र जी ऐसा लगता है पिछले लंबे समय से
नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की अगर बात करते हैं, तो हालांकि अभी हम महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं, उत्तर भारत में पिछले लंबे समय से एक इतिहास रहा है, नारों और नैरेटिव पे चुनाव का जो एक वो है माहौल है वो तय होता है, और जी चुनाव उन्हीं पे जीते जाते रहे हैं। कई बार ऐसा देखना हो मिला है मुद्दे कि मुद्दे नहीं होते, मुद्दे गौण होते हैं उसमें। मुद्दे लास्ट में जब चुनाव प्रचार होता है तो मुद्दे लास्ट जो चुनाव का अंतिम दौर है उसके आते आते मुद्दे कहीं कहीं गौण हुए हैं। जी चेहरों पे चुनाव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हरियाणा की बात करते हैं, चौधरी देवीलाल के समय की बात करते हैं, 1987 में उन्होंने नारा दिया था, भ्रष्टाचार बंद और बिजली पानी का प्रबंध, तो ये उनका नारा बहुत चला। और 1987 में उनका जो बहुमत आया था, 85 सीटों में मुझे लगता है उन्होंने जीत दर्ज की थी, और उनका अच्छा नारा चला था ये। उसके बाद 89 में, 1989 की हम बात करते हैं, लोकसभा के चुनाव थे और वीपी सिंह प्रधानमंत्री जब बने थे, और उसमें चौधरी देवीलाल का भी कुछ हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया, पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनमें एक नारा चला था कि ताऊ पूरा तो लगा लाल किले तक बोल लगा, और वो खूब नारा लगाते उनके सब जनसभाओं में लोग, और वो एक मतलब एक कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम उनको मिल गया, हाँ, और वो बहुमत, देवीलाल को कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री पोर्ट्रे कर रहे थे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जी और वो नारा पूरे नॉर्थ जो इंडिया के लोग थे, जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, पूरे लोगों के दिमाग में, दिल में छाया, और उनकी सरकार बनी, तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, वो उप उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री प्रधान बने। जी इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं नारों और नैरेटिव से राजनीति तय होती आई है। हालांकि पिछली बार जो 2024 के अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन्होंने भी एक नैरेटिव करने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, अब की बार 400 पार, लेकिन आपकी इस नारे का कहीं ना कहीं नेगेटिव असर गया, और जो 400 पार होना था वो उनकी सीटें मुझे लगता है 240 के आसपास, जी दो सिमट गई वो। सौ चालीस तक सिमट गई। जी तो इस प्रकार से उत्तर भारत में तो खासकर चलता है, नारे नैरेटिव खूब चलते हैं, लोगों के दिमाग में छा जाते हैं, दिल में बैठ जाते हैं, और उन्हीं नारों पे वो वोट करते हैं। जी और अभी भी जैसे अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नारा दिया है जो उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, तो जी ये नारा उत्तर प्रदेश के लिए था, और उत्तर प्रदेश वहां भी ये नारा महाराष्ट्र में भी चलाने की उन्होंने कोशिश की कि पहले से शुरू में हरियाणा में चला, हरियाणा में के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें यहीं पे उन्होंने ये नारा दिया था योगी जी ने, और वो हरियाणा में कहीं ना कहीं काम किया उसने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद अभी जो उपचुनाव 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उनमें भी दिया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो अखिलेश हैं, अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस नारे की काट ढूंढी है, और वो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, योगी जी के जो जो मंत्री हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इस नारे से बसने लगे हैं अभी, तो उन्होंने कोशिश की महाराष्ट्र में भी ये नारा चलाने की, लेकिन महाराष्ट्र में जो अलायंस थे उनके, एनसीपी के जो अजीत पवार थे, तो उन्होंने उस नारे से एकदम किनारा कर लिया। जी तो ऐसे में मुझे लगता है एकदम अजीत पवार जी ने कह दिया इस नारे से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र में इस तरह का जो नैरेटिव है, नारा है, वो नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास दिखाई दिया महायुति के जो घटक दल है उनमें, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहीं से एक सवाल मेरे जहन में आता है। जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने महाराष्ट्र में जाके नारा दिया, जो यूपी में जो दिया था बड़ा कामयाब हुआ, बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसके बिल्कुल इमीडिएटली उसका रिएक्शन हुआ और अजीत पवार ने कहा कि ये यूपी है, ये महाराष्ट्र है, यूपी नहीं। तो इससे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनडीए जो है वो दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है, क्या इसका कोई असर पड़ेगा इलेक्शन पर? निश्चित रूप से नारों की जब हम बात करते कर रहे हैं, तो योगी जी ने यूपी में भी दिया था, यूपी में उस नारे की काट अखिलेश ने ढूंढी और उन्होंने एक अलग सा नारा दे दिया, उन्होंने उन्होंने कहा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, वही तो इस तरह के नारे एक दूसरे के यही उनके हथियार है चुनाव में।
और मुझे लगता है जो हथियार का प्रयोग करना चाहा था पर महाराष्ट्र में, जी जो योगी जी के ने जो हथियार छोड़ा था, जो शस्त्र छोड़ा था, तो जैसे महाराष्ट्र में भी ये नारा चलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं के जो घटक दल थे उन्होंने उस नारे से किनारा कर लिया। इसलिए मुझे लगता है वहां पे नारा ये चलने वाला नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दा पे चुनाव होंगे। और क्योंकि चुनाव अभी नजदीक आ गया है, अभी 3-4 दिन ही चुनाव में बचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं बात जो महाराष्ट्र में वो आगे बढ़ेगा और उसी पर चुनाव होंगे, क्योंकि नारा और नैरेटिव वहां पर नहीं चल पा रहा है। मेरे साहब बात की अपने नारों की, नारे जो अगर बात करेंगे जिस तरह से नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, या आपने बात की एक मठाधीश वाला नारा कौन सा बताया था आपने भी, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, उन्होंने काटेंगे। अखिलेश ने उनकी उसकी काट में ये नारा हाँ, गढ़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो नारे हैं ये धर्म को अलग करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो नारे हैं ये एक दूसरे के खिलाफ जहर का काम करते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? निश्चित रूप से आज जो एक राजनीतिक माहौल हुआ है, सभी राजनीतिक ये धर्म पार्टियां को बांटते हैं बेसिकली। धर्म और जाति पाति पे ही तुष्टिकरण कोशिश करने की कोशिश करते हैं। विकास की बात कहीं ना कहीं गौण होती जा रही है, जी और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति का एक दौर है। और जिस भी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे इंडिया अलायंस को, चाहे कांग्रेस पार्टी को, जिस भी नारे से उनको फायदा होता है, जिस भी जात पात या धर्म के समीकरण से फायदा होता है, वो अपना प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है वहां पे जो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में अभी तक नारा और नैरेटिव नहीं चल पाया है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ विकास की बात चलेगी। जो एनडीए की फूट है उसका ये मतलब क्या, क्या कोई विरोधी पार्टियां जो है ओपोजिशन है तो जो इंडिया अलायंस है उसको कोई फायदा हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से जिस एनडीए में फूट होगी तो इंडिया अलायंस को फायदा होगा, और इंडिया अलायंस में अगर फूट होगी तो एनडीए को फायदा होगा। लेकिन अभी जो जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं विभिन्न माध्यमों से, कहीं ना कहीं जो महायुति के जो घटक दल हैं, जैसे एनसीपी की हम बात करते हैं, अजीत गुट की बात करते हैं, जैसे आपने यही बताया कि इस नारे से एकदम बिल्कुल किनारा उन्होंने कर लिया, और अजीत ने यही कहा कि ये यूपी नहीं है, इतना तक कहा कि ये यूपी नहीं है, इस प्रकार के नारे यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं। महाराष्ट्र में हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस नारे का स्वागत किया है, लेकिन सबका दूसरी साथ तरफ सबका साथ देवेंद्र, सबका विकास। जी देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी तरफ यह भी कहा है कि अजीत पवार जो है वो नए नए अभी हिंदू धर्म की तरफ आए कहीं हैं, कहीं हाँ अभी ना हिंदू विरोधी ताकतों के साथ रहे हैं, तो इसलिए इनको बदलने में समय लगेगा। अजीत पवार के बयान को कहीं ना कहीं कवर करने की उन्होंने कोशिश की है, जी कहीं ना कहीं ढांपने की कोशिश की है। इस बार इस प्रकार की जो बात उन्होंने कही है कि अभी अभी जो ये पहले हिंदू विरोधी एक विचारधारा की राजनीति करते रहे हैं, और जी अभी ये इस हमारे साथ आए हैं, तो कहीं थोड़ा टाइम लगेगा इनको ढलने में, इसमें ढल जाएंगे। लेकिन उन्होंने बार बार उन्होंने ANI के साथ जो इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में दोबारा फिर कहा है कि ये नारा यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। इस तरह की बात मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं, और यहाँ तक महाराष्ट्र के लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि अभी तो जो 23 को जो नतीजे आएंगे ना, सरकार किसकी बनेगी किसकी ना बनेगी, 23 को जो 2 बजे तक जो ऑलमोस्ट नतीजे घोषित हो जाते हैं, चुनाव परिणाम, उस चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ जाएगा, जी बिल्कुल, तो सरकार का तब पता चल पाएगा। अभी वहां पे किसी तरह का कोई वो नहीं है कि एक पार्टी को सत्ता में लेके आना है, ऐसा नहीं है, सभी अपनी अपनी पार्टियां। हालांकि महायुति में तो जो तीनों जो गुट हैं वो एक दूसरे का चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रहे, जी सिर्फ अपनी अपनी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं का चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, और जो अलायंस के लिए प्रचार नहीं हो रहा है, सिर्फ अपनी पार्टी के लिए प्रचार अपनी हो रहा पार्टी है। के लिए, और वहां पे होड़ लगी हुई है, चाहे अजीत गुट की बात करें, चाहे सिंधे गुट की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत कराएं, ना कि अलायंस की तरफ उनका बहुत कम ध्यान है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं इसमें भी है फूट है, जो कांग्रेस उस और इसमें क्या नाम है, दबे जुबान से ये भी लोग कहते हैं कि आपस में एक दूसरे का जो विरोधाभासी है, जो वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है महायुति में ज्यादा फूट उभर के आ रही है। उस फूट का कांग्रेस और ये जो महाविकास अघाड़ी कितना फायदा ले पाएगी, ये तो देखने वाली बात है।
मेरा सब अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 दिन रह गए हैं चुनाव में, और 2 दिन बाद जो प्रचार है, चुनाव प्रचार है, वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि जो चुनाव है इस समय किस तरह का माहौल बनता जा रहा है, और ये चुनाव किस ओर जा रहे हैं, और इसका जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय राजनीति जो है, अगर हम कहें देश की राजनीति पर, किस तरह का प्रभाव इसका पड़ सकता है? देखिए, जो हम लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो महाविकास अघाड़ी है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि 2019 में जो सबसे ज्यादा सीटें एनडीए की थी जी, 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 41 सीटें उन्होंने जीती थी, और अभी 2024 में जो इंडिया अलायंस के जो महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटें जीती, और ये बहुत अच्छा प्रदर्शन इनको माना जा सकता है। अगर वही लय जो इंडिया अलायंस है यानी महाविकास अघाड़ी है बना पाए, तो निश्चित रूप से जो एनडीए पर वो भारी पड़ेगी। और एक जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट ओबीसी कैटेगरी के रहे, ओबीसी कैटेगरी में 52% हैं, मुस्लिम 15% हैं, और मराठा हैं 28%, बाकी एससी एसटी वोट हैं, और इनमें भी एससी एसटी हैं मराठाओं में भी, लेकिन ज़्यादा जो प्रभाव है ओबीसी वोटर का है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स को और कहीं ना कहीं मराठा वोटर को साधने पे लगी है, लेकिन ओबीसी वोटर का जो ज़्यादा फोकस जो ओबीसी वोटर ये उद्धव गुट ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उद्धव स्वयं ओबीसी से आते हैं जी, ओबीसी से आते हैं, उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभाव ओबीसी वोटों पर है, और उनको अपेक्षा है कि ओबीसी वोट उन्हें ही आएंगे। बाकी जो मराठा अगर वोटों की बात करते हैं, तो मराठा वोटों में जो मराठवाड़ा है उसमें मुझे लगता है 46 सीटें मराठवाड़ा की आती हैं। अगर पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को एक रीजन वाइज बांट के देखेंगे तो 3 रीजनों में, पॉलिटिकल रीजन में हम बांट सकते हैं जी, एक मराठवाड़ा है, विदर्भ है, और जो मुंबई पुणे का क्षेत्र है, तो अलग अलग इसमें अलग अलग मुद्दे हैं। मराठवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो मराठवाड़ा में आरक्षण का मुद्दा है, मराठा आरक्षण का मुद्दा है, मराठा आरक्षण का मुद्दा बड़ा गरमाया है अभी, और कहीं कहीं जो सत्ता रूट पार्टी है वो कहीं कहीं उसके अगेंस्ट जाएगा, उसके विरोध में जाएगा, क्योंकि ये जो मराठाओं के आरक्षण की का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ये सरकार जो सिंधिया सरकार है कहीं कहीं सॉल्व नहीं कर पाई जी, और इसके खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन होते रहे महाराष्ट्र में, और कहीं कहीं इनके विरुद्ध जा सकता है। दूसरी तरफ विदर्भ का की बात करते हैं, विदर्भ में एक कपास कॉटन सीड का वहां पे कपास उत्पादक एरिया है, कपास सोयाबीन उत्पादक एरिया है, और किसानों में कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहां की उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है किसानों में है, उसका लाभ किसको मिलेगा, महाविकास अघाड़ी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये तो चुनाव किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में हमेशा। हालांकि विदर्भ में अभी जनसभा की थी प्रधानमंत्री ने, और कपास उत्पादक किसानों को उन्होंने स्पेशली एड्रेस किया, सोयाबीन उत्पादक किसानों को स्पेशली उन्होंने एड्रेस किया कि उनको इस तरह की सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसी तरह की कोई आगे किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी तरह से उन्होंने उनका फोकस जो भाषण पे उनका फोकस था ना वो कपास उत्पादक किसानों और सोयाबीन उत्पादक किसानों पर की तरफ रहा है। कितना उनका जो भाषण है वो काम कर पाएगा ये तो चुनाव के मतगणना में और चुनाव के में ही पता चल पाएगा। दूसरा तीसरा क्षेत्र वहाँ पे है मुंबई पुणे क्षेत्र जी, जो सबसे ज्यादा सीटें वहाँ पे, मुंबई पुणे क्षेत्र में लगभग 100 के आसपास सीटें हैं, और मुंबई में अकेले 36 सीटें हैं, 36 विधानसभा सीटें, और मुंबई में पहले से कहीं ना कहीं उद्धव गुट का जो ज्यादा प्रभाव रहा है, चाहे उन्होंने कोविड में काम किया हो और दूसरे तरह के जो वहाँ पे कई तरह के जो वोट समीकरण है, मुस्लिम वोट समीकरण है, वो भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की ओर कहीं ना कहीं पहले जाता रहा है, और अब भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका प्रभाव महाविकास अघाड़ी की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है जी। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो अगर तीनों रीजन की बात करें तो तीनों रीजनों में अलग अलग मुद्दे हैं, और मुद्दों की बात वहाँ पे हो रही है, और नारे और नैरेटिव की जैसे हमने बात की वो कोई नारा वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा, कोई नैरेटिव नहीं अभी तक सेट हो पा रहा, नारे जैसे उन्होंने चलाने की कोशिश की थी बटेंगे तो कटेंगे
वो मुझे लगता है उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने इसको खारिज कर दिया है। खारिज कर तो दिया। इसलिए मुझे लगता है भारतीय क्या नाम महाराष्ट्र में जो नारे और नैरेटिव की जो राजनीति वो अभी तक सेट नहीं हो मुद्दों पाई पर है। राजनीति रहेगी। मुद्दों पर राजनीति रहेगी, और निश्चित रूप से अगर मुद्दों अंत तक मुद्दे हावी रहे तो अलग चुनाव परिणाम होंगे। अगर नारा कोई और कोई पार्टी अगर दे पाई तो तब अलग परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि अंत तक अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक ये क्लियर है कि चुनाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो इश्यू आधारित माहौल बना हुआ है, मुद्दों पर माहौल बना बना हुआ है। अगर मुद्दे हैवी रहते हैं तो निश्चित रूप से देखिए कह सकते हैं जी महाविकास अकाड़ी को फायदा होगा। जी मैं सब बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि कहीं ना कहीं अगर बात करें उत्तर भारत की तरह महाराष्ट्र की जो राजनीति है वहां पर नारे और नैरेटिव की जो राजनीति है वो नहीं होती, वहां कहीं ना कहीं मुद्दों पर जो है इस बार जो है चुनाव है मुद्दों पर होने जा रहे हैं, और अगर मुद्दों पर चुनाव होते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये राजनीति के लिए एक अच्छा इशारा है, क्योंकि नारे जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करते हैं और धर्म की राजनीति जो है वो लोगों के लिए खतरनाक साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो इस बार के चुनाव हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी लगभग 3 या 4 दिन रह गए हैं चुनाव में और 2 दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो यहाँ की जो राजनीति है यहाँ का जो माहौल है उसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल राजेंद्र जी, जो महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और कहीं ना कहीं अगर वहां पे महायुति अगाड़ी जीत जाती है तो एक राष्ट्रीय जो केंद्र हमारी केंद्र में जो सरकार है उसको मजबूती मिलेगी और वो अलग तरह के फैसले ले पाएगी। और अगर वो कहीं ना कहीं महायुति अगर वहां लूज करती है तो कहीं ना कहीं अस्थिर सरकार भी अस्थिर हो सकती है, क्योंकि सरकार है ना दो तीन जो सहायक दल हैं उनके बलबूते पे सरकार ये बनी है, जैसे जनता दल जेडीयू है, जेडीयू के 12 MP हैं सरकार के साथ हैं, और जैसे टीडीपी के हैं 16 MP हैं उनके साथ हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तो केवल 240 MP हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एमपी से सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं मायूती जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की वहां पे जो मायूती चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विधानसभा में लूज करती है तो निश्चित रूप से जो ये जो अलायंस हैं जो टीडीपी है जेडीयू है कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने में जो केंद्र सरकार पर भारी पड़ेंगे और अपने कहीं ना कहीं फैसले भी अपने हक में अपने हक हक चीजों में करवाएंगे, और वो को कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश करेंगे। हर मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ बार्गेनिंग करेंगे और इससे सरकार कमजोर होगी। हालांकि अभी भी जो टीडीपी की हम बात करते हैं तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने जो इनके अपोजिट होके भारतीय जनता पार्टी से अपोजिट होके जो मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है वो कहीं ना कहीं इनको अखर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए कहीं ना कहीं वो अगर इनकी सपोर्ट में आए हैं तो वो अपनी कंडीशंस को तो मनाने के लिए अपने तरीके से निश्चित काम रूप जरूर से करेंगे। जनसंख्या जी बढ़ाने के जी उन्होंने एक एक वो अपना हाँ वो वो बयान दिया है, दिया वो कहीं था ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मेल नहीं खाता। जी। वो यही है कि कहीं कहीं बार्गेनिंग में वो अपना दबाव बनाना चाहते हैं, और अगर इस तरह का जो इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में अगर किसके पक्ष में जाता है, अगर महायुति के पक्ष में जाता है तो केंद्रीय सरकार का कुछ और माहौल होगा, अगर उसके अगेंस्ट जाता है अगेंस्ट जाता है तो निश्चित रूप से अस्थिर होगी, जी कमजोर बिल्कुल कमजोर सरकार होगी। जी। सो दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लगभग 4 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाद जो है यहां पे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। यहां के चुनाव जो है वो उत्तर भारत की तरह इस बार नारे और नैरेटिव पे नहीं बल्कि जो है मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। अगर मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं तो राजनीति जो है बहुत अच्छी ओर जा सकती है, क्योंकि नारे और नैरेटिव की अगर बात करें तो ये राजनीति को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर लोगों के दरमियान एक खटास पैदा करते हैं। सो आने वाले समय में जो चुनाव है ये किस ओर जाते हैं ये देखने के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साथ आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।